पीकेडी नाम्बियार जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। मुझे अक्सर ये लगता है कि जब जब हम लोग किसी इनकम टैक्स रेड और किसी जगह पे किसी के साथ भी हो जाता है और वो एक अलग पक्ष का मत रखने वाला हो या और कोई चीज होगा, तो तुरंत सीधा सवाल उठ जाता है सीधा प्रधानमंत्री या अमित शाह जी के नाम पे। मुझे लगता है कि देख, इनकम टैक्स रेड आज या कल से नहीं हो रहा है देश के अंदर, आज से नहीं है, पिछले 50 साल से, 60-70 सालों से, जहां जहां इनकम टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कहीं पे डाउट है या कुछ। मैंने किसी सीनियर ऑफिसर से जो बात कर रहा था, उन्होंने प्रक्रिया जब समझ में आ गया तो लगभग 3 से 6 महीना लगता है कि एक इनकम टैक्स रेट को तैयारी में, जब तक अनलेस एंड अंटिल, जब तक उनके पास कुछ खास एविडेंस नहीं होते तब तक वो रेड या सर्वे के लिए नहीं जाते। जहां तक अभी यह सवाल है जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ रेट्स, सोनू सूद तो ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है। जब सोनू सूद के, मैं खुद सोनू सूद का एक अच्छा ग्रेट फैन हूं, जब मैं उनका हर काम से, जो स्पेशली कोविड का टाइम पे जो जिस तरह का काम उन्होंने करके दुनिया को जो इंस्पायर किया हुआ है, बट उसके साथ साथ जो एक अथॉरिटी को कहीं पे किसी व्यक्ति का कोई भी टैक्स चोरी का या किसी भी तरह का एक शक है, तो उसमें इतना बड़ा आलोचना करने की क्या बात है? आपका यह कहना है कि अगर कोई दान पुण्य का काम कर रहा है तो वो भी फ्रॉड कर सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ऐसी एक बात मैं आपको कह देता हूं, कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनू सूद को छोड़ दीजिए और किसी को भी छोड़ दीजिए, एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा नेक काम करने वाला एक इंसान किसी भी तरह का एक गलत काम कर लिया, इसका मतलब है कि वो गलत चीज, वो इतना अच्छा काम किया इसकी वजह से उसकी सारी, लेकिन दूसरा है गलती को माफ किया नाम्बियार जी, अगर आप इजाजत दें एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाम्बियार जी आप मुझे ये बताइए, नाम्बियार जी आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों ना हो कि जो जांच अफसर राजनीतिक दबाव में आके, और ये सोचना बेवकूफी है कि सब निष्पक्ष हैं, सब कुछ एकदम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक दबाव में आकर के बहुत सारे अफसर काम करते हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि अगर जांच फर्जी निकले तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो सस्पेंड। पहले संकेत जी एक बात बताऊं, पिछले 60-70 वर्षों का जो हमारा देश का जो हिस्ट्री में है ना, कांग्रेस ने ऐसे एक ठप्पा बनाकर रख दिया है सीबीआई को केज्ड पैरेट, इस तरह का जो दर्जा जो कांग्रेस ने देके जा रखा है, तो हम अभी भी उस हिस्ट्री के अंदर ही जी रहा है कि आज भी, या पहले ऐसे होता था तो आज भी ऐसे ही होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, चाहे आशुतोष जी हो, बाकी जो लोग हैं, जो कोई भी इनकम टैक्स रेट हो, इनकम टैक्स रेट सिर्फ क्या नाम है, जो दो लोग जिसके नाम आप ले रहे हो, सोनू सूद, वो थोड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है, अपने आप में एक बड़े जाने पहचाने व्यक्ति है, इसकी वजह से हम चैनल पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कितने सारे जो बिजनेसमैन है जिसके घर पे और ऑफिस में इनकम टैक्स रेट हर रोज होता है, कोई चैनल पे चर्चा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या बात हुई? तक मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कोई 5 ऐसे नाम, ओनली 5, कोई ऐसे नाम उन चैनलों के या उन मालिकों के या उन लोगों के जो कि सरकार के पक्ष में बोलते हैं। सीधा जवाब दे देता हूं। आप ये कहते हो कि दैट इनकम टैक्स रेट सीधा सिर्फ मोदी जी या बीजेपी का हेडक्वार्टर से तय करते हैं क्या? तो आप ये क्यों कहते हो? मैं कल एक चैनल पे ये बात कह रहे थे, अगर आप देखते हो जो कांग्रेस का जितना भी नेता है, चाहे पुराना मुख्यमंत्री हो, सब जो अमीर तो छोड़ दो, उससे भी बड़ा जो शब्द है वो यूज कर सकते हैं। आप एक कितनी जो बीजेपी का जो टॉप लीडर्स है, आप उस लेवल पे आप 4 लोगों का नाम आप नहीं ले सकते, तो इसलिए वो उसको कंपैरिजन आप करना ही अनुचित है। मुझे समझ में नहीं आया आपने बोला क्या, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपका ये कहना है कि भाई कांग्रेस के लोग जो है वो बहुत अमीर हो गए, बोल रहा हूँ आपकी सरकार है, आप जांच कर लीजिए। संकेत जी सिर्फ एक ही शब्द, सिर्फ एक वर्ड आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 4 लोगों के पास कांग्रेस का या कांग्रेस से सपोर्ट करने वाले लोगों के पास वो किया हो, तो बराबर करने के लिए 4 बीजेपी के पास भी जाना, ये कह रहे चाहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ये कोई मतलब नहीं है। आई थिंक देश का हर ऑफिसर्स को कार्रवाई सही में निष्पक्षता से होनी चाहिए, और निष्पक्षता जो है वो आप ट्रैक रिकॉर्ड पर तय करते हैं, अगर हर चीज का ट्रैक रिकॉर्ड पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। अगर कल कुछ मिला, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से जिसके लिए हम आज बात करता है, जो अनअकाउंटेड इनकम मिल गया, तो आप ये जो जितनी भी शब्द आपने यूज किया हुआ सबको वापस ले लेंगे? आप ये बोलोगे कि ये पॉलिटिकल रिवलरी नहीं है या किसी के खिलाफ? अदालत में साबित होगा ना, अदालत में साबित होगा। खैर अभी लास्ट कमेंट समय मेरे पास खत्म हो गया, जाहिर सी बात है सारे मामले अदालत में ही जाएंगे भाई, को मैं अदालत थोड़ी हूँ और ना आप पीकेडी नाम भी। अभी तक ये कहा कि हम भी यही कह रहे थे जॉली जी, आप जॉली जी का